9000 करोड़ से ज्यादा के कर्जदार विजय माल्या को भारत लाने की कोशिश के तहत अब ईडी ने इंटरपोल से मदद मांगी है। ईडी ने सीबीआई के जरिए इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की अपील की है। हम आपको बता दें कि कल ही ब्रिटेन सरकार ने भारत को ये बताया था कि माल्या को भारत में डिपोर्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके पास 1992 से ही ब्रिटेन का रेसिडेंसी उनके पास मौजूद है, रेसिडेंसी परमिट है, इसलिए उन्हें डिपोर्ट नहीं किया जा सकता। उसके बाद अब शिकंजा कसने जा रहा है ईडी, और रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की अपील उन्होंने करी है। यानी कि हर तरह से कोशिश की जा रही है कि विजय माल्या को भारत लाया जाए। जितेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, क्या अपडेट है? जिस तरह से भारत लगातार कोशिश कर रहा है कि विजय माल्या को भारत वापस लाया जा सके, जिस तरह से बैंकों का कर्ज बकाया है और उसको चुकाए बिना ये भारत से बाहर चले गए हैं। 3 बार समन जारी किया गया था, डिपोर्टेशन की भी कोशिश की गई थी थ्रू एमएसए, लेकिन वो सब फेल हो गई हैं। अभी ईडी ने रिक्वेस्ट की है इंटरपोल से कि रेड कॉर्नर नोटिस विजय माल्या के खिलाफ जारी किया जाए, ताकि एक तरह से इसको भगोड़ा घोषित किया जा सके, और अगर ये यूके से के अलावा कहीं किसी देश में जाता है तो रेड कॉर्नर नोटिस होने की वजह से इसको एक तो वीजा नहीं मिल पाएगा, और दूसरी बात यह है कि अगर वो किसी तरह से पहुंच जाते हैं तो वहां पर अगर पाए जाते हैं तो डिपोर्ट किया जा सके, क्योंकि रेड कॉर्नर नोटिस इनके खिलाफ जारी हो चुका है। चलिए, शुक्रिया जितेंद्र जानकारी के लिए।